सुख महल ये तो विष्णु सिंह जी के टाइम पे बना था ना। हाँ उनके टाइम पे। चलो चलते हैं अंदर। बूंदी के राजाओं को गर्मियों में सुख देने के लिए बनाया गया था, इसलिए सुख महल। क्या दिखता है ना यार, ये है ना, ये जो खिड़की है ना, इनके नीचे से पानी चला गया। किसी टाइम पे पानी नहीं होगा यहाँ पे। व्यू बहुत शानदार आता है। अब आपको लेके चलते हैं हम किपलिंग पैलेस, जो कि सुख महल में है। किपलिंग पैलेस इसलिए क्योंकि यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग जो कि नोबल राइटर हैं, वो रुके थे बूंदी में कुछ टाइम के लिए, और यहाँ के जो राजा हैं उन्होंने उनके लिए पैलेस ही बनवा लिया था। तो यहाँ पर जब मैं बहुत पहले आया था, वाइट कलर का एक अंदर से पुता हुआ पैलेस है जिसमें ब्लैक एंड वाइट फोटोज है इंग्लिश स्टाइल में। वो सामने यहाँ पे म्यूजियम भी है। और वैसे तो सुख महल इसलिए नाम है इसका क्योंकि यहाँ पे वो जो सुखराम जी थे आर्किटेक्ट, दीवान और आर्किटेक्ट दोनों थे वो राजा के, उनकी देखरेख में बना था। शायद ताला लगा हुआ है यहाँ, तो आपको दिख रहा होगा कितना आर्टिस्टिक टच है यहाँ पर। किपलिंग सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए बूंदी रुके थे, और उसी टाइम बूंदी की खूबसूरती जो नेचुरल ब्यूटी है उनको इतनी अच्छी लगी कि वो जो द जंगल बुक है वही मोगली वाली, उसके कुछ पार्ट उन्होंने यहीं लिख दिए और उसमें बूंदी की खूबसूरती के बारे में बताया। वो जो पोस्टर आपको दिख रहा है राइट साइड, ये पोस्टर जंगल बुक का है जिसमें कुछ हाथी वगैरह है। और इन्होंने तारागढ़ के बारे में बोला, बूंदी के तारागढ़ फोर्ट के बारे में भी, कि ये किसी इंसान का काम नहीं है इसको बना पाना, मेड बाय गॉब्लिन, शैतानों ने बनाया है। इन अ गुड सेंस उन्होंने बोला था ये बात, क्योंकि वहाँ की सुरंगों में से कुछ आवाज़ें आती है। यहाँ पे वाइट कलर का पेंट है, ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग है, लेकिन लोग कुछ हाथ लगा लगा के इसको ख़राब कर देते हैं और फिर यहाँ पे लगा दिया जाता है ताला। बड़ी मुश्किल से खुलवाया। खूबसूरत तो अपने आप में है ही ये जगह, कितनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप कैमरा जस्टिफाई नहीं करेगा, खुद आके देखेंगे तब आपको पता लगेगा। ये जेत सागर तालाब है और यहाँ पे जब कमल खिलते होंगे, खिलते ना यहाँ पे कमल काफ़ी सारे, तो कितना खूबसूरत दिखता होगा ये नज़ारा। वहाँ से सामने से रोड जा रही है पूरी प्रॉपर पहाड़ियों में। एक चीज़ नोटिस करी आपने क्या, ठंडक है बाहर की तुलना में अंदर ठंडक है, क्योंकि कोई पहले जो छत बहुत मोटी बनाई जाती थी ना, इस वजह से ऐसा। और व्हाइट कलर का पेंट भी है। पानी भरा हुआ इसके नीचे वाला जो पोर्शन है, बाकी जगह ऐसी है कि आपका मन करेगा बस यहाँ के बैठे रहो।